तो दिवाली के बाद दिल्ली की जो सुबह है वो पूरी तरह से देखा जाए तो धुंध की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। पहले से ही गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो चुकी थी और दिवाली पर जिस तरीके से प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा है, हवा काफी जहरीली हो गई है और ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां हवा की क्वालिटी बेहद खराब बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लोगों ने रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तय की गई समय सीमा का उल्लंघन किया। नतीजा ये हुआ कि दिवाली की अगली सुबह यानी आज अर्ली मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तो दिवाली के बाद जहरीली हवा के साथ ही दिल्ली की सुबह हुई है और धुंध से ढकी हुई नजर आ रही है दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के तमाम इलाके जहां पर प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। प्रदूषण इस खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है कि बाहर निकल पाना सेहत के लिए हानिकारक है। It's a hazy morning after for Delhiites as the city reels from a post-Diwali smog. Pollution levels and PM2.5 levels across the city have breached the hazardous level, with many parts of the city even touching 999, which is the highest possible level of pollution for PM2.5. Behind me is a live AQI monitor, which is depicting live data from across the city of with regards to pollution. And it's showing that in Lodhi Road, which is one of the cleaner locations in Delhi, the PM2.5 levels as well as the PM10 levels have breached the 500 mark. Now this is one of the cleaner locations in the city, and if here the PM2.5 and PM10 levels have breached 500, you can imagine what the situation is across the rest of the city. If you are a Delhiite and you have to go out early in the morning or late after sunset, make sure you travel with a respiratory mask. तो चलिए आप भी हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आपने दिवाली कैसे मनाई है और आपके इलाके का प्रदूषण किस तरीके का है, हवा कैसी है, ये जानना बहुत जरूरी है सभी देशवासियों के लिए। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ उदय राणा मेरे सहयोगी नोएडा से जुड़ चुके हैं, रुंझुन मेरी सहयोगी तुगलकाबाद से हमारे साथ मौजूद है, आशीष सूद जी मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मौजूद है। सबसे पहले जरा दिल्ली की हवा देख लेते हैं। रुंझुन, तस्वीर जरा वहां की दिखाइए, तुगलकाबाद में क्या तस्वीर है मॉर्निंग की? ये एक तरह का पैटर्न बन गया है कि जब दिवाली की अगली सुबह हम लोग उठते हैं तो जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप खांसी करते हुए उठते हैं, ये एक पैटर्न सा बन चुका है पिछले कुछ सालों में। पॉइंट ये है जिस जो आप बोल रहे थे कि हम कितनी बार गवर्नमेंट पे पॉइंट आउट करेंगे, हम कितनी बार जुडिशरी पे पॉइंट आउट करेंगे। बात यह है कि सिटीजन्स को भी जागरूक होना चाहिए। उन्होंने दो चीज़ें फ्लाउट करी हैं कल रात को। एक तो ये जो टाइम कैप दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 8 से 10 का, उससे काफ़ी पहले और उसके काफ़ी बाद हमें पटाखे सुनाई देते रहे। और दूसरी चीज़, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने अलाउड थे, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ है जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ही नहीं थी ग्रीन क्रैकर्स की। ना मैन्युफैक्चरर्स को पता था, ना पुलिस को पता था, ना कंज्यूमर्स को पता था कि ग्रीन पटाखे होते क्या हैं। इस वजह से जो सारे पटाखे फूटे हैं वो पॉइजनस और पोल्यूटेंट वाले भी पटाखे थे, ये एक बात है। हमें पता है कि दिल्ली के बहुत सारे एरियाज़ में ITO, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, यहाँ पर 999 से ज़्यादा हो चुका है। आप जो AIQ मीटर में दिखाता है नंबर्स, पॉइंट ये है कि 3 डिजिट से ज़्यादा रीड ही नहीं करता है, तो हमको मालूम ही नहीं है कि कितना ऊपर हो चुका है। अभी हम वेट कर रहे हैं, CAC एक रिपोर्ट जारी करेगा जिसमें वो एक्चुअली बताएगा कि कितना पॉइजन हम एक्चुअली ब्रीद कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ विजिबिलिटी बहुत कम है। जो हमने डॉक्टर्स से बात करी है, जो इमरजेंसी वार्ड्स हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस के पेशेंट से ओवरफ्लो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रुंझुन, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदय भी हैं, आशीष जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम जनता से भी चाह रहे हैं कि वो हमें फोन करें, बताएं कि उनके इलाके में प्रदूषण का लेवल किस तरीके का है और वो क्या महसूस कर रहे हैं। जहानाबाद से इस वक्त हमारे साथ किशोर जुड़ चुके हैं। किशोर, मैं आपसे जानना चाहूंगी दिवाली कैसी रही, पहले ये बताइए पटाखे फोड़े या नहीं फोड़े? धन्यवाद जी, धन्यवाद। मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मुहिम जो चला रहे हैं बहुत अच्छी लगा हमको जी। हेलो, और सबसे बड़ी बात है कि सब में सरकार को अगर दोषी ठहराएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, अपनी भी जिम्मेवारी समझना चाहिए आदमी को। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ, ठीक है, और हम लोगों ने उतने पटाखे नहीं जलाए जी।
ठीक है, कोर्ट का आवाहन नहीं किया हम लोग, कोर्ट ने सर, जो दिवाली का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए आप जब किशोर जी जरा ये भी बताइए, दिवाली का मतलब आप क्या समझते हैं? क्योंकि हम लोगों से कह रहे हैं कि आप आइए, दिवाली का मतलब मिठाइयां, पूजा या फिर सिर्फ पटाखे? हाँ जी, दिवाली का मतलब क्या हुआ? दिवाली का मतलब देखिए, हम लोगों का ये हिंदू का अपना जो राम से सर सारी जुड़ी कहानियां हैं, वो तो हम लोग उतना आपको नहीं विस्तार से बता सकते हैं, ठीक है? तो ये बिना पटाखों के दिवाली मन सकती है किशोर जी? हाँ जी, बिना पटाखों के दिवाली मन सकती है? बिल्कुल मन सकती है, क्यों जी? नहीं बनेगी? बहुत शुक्रिया किशोर जी, आपने यहाँ पर ये बात कही कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा जरूरी है। करणजीत सिंह जी लुधियाना से हमारे साथ मौजूद है, हालांकि करणजीत सिंह जी वहाँ का लुधियाना का पोल्यूशन लेवल भी ज्यादा ही रहता है, काफी पोल्यूटेड इलाके वहां पर भी है क्योंकि फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है। ये बताइए आपकी दिवाली कैसी रही, आपने पटाखे फोड़े या नहीं फोड़े? जी मैडम, पटाखे कहाँ फोड़े, हम तो इस बार इतने ज्यादा तकलीफ में है जो सारे किसान है, हमें तो गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती की हुई है, सारे दिल्ली वाले कहते हैं कि पंजाब से धुआं आ गया, पंजाब से धुआं आ गया। हमें पता है इस बार कितना किसान को ये मुश्किल हो रहा है, एक भी पराली का हमें जहाँ पे जलाने नहीं दिया रहा, जो जला रहा है उसको फाइन किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली वाले तो यही कह रहे हैं कि पंजाब की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ अननेसेसरी, पंजाब को आप इतना ब्लेम मत कीजिए, इस बार इतनी सख्ती है कि हम आपको बता नहीं सकते कितने ज्यादा दुखी है किसान इस बार। तो आपका क्या मानना है, पराली की वजह से पोल्यूशन बढ़ा या पटाखों की वजह से, या फिर जो गाड़ियां रोज रेंगती हैं उस वजह से? जी मैडम, गाड़ियों से भी होता है और इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं दिल्ली में, और दिल्ली में नहीं सभी जगह चलती हैं आसपास, नोएडा में, गाजियाबाद में, तो वहां से धुआं नहीं, उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता, बड़े इंडस्ट्री स्कीम के बारे में। जब भी देखो किसान बेचारा उसको पकड़ लेते हैं, ये पराली जलाता है, ये करता है, वो करता है, हालांकि ये नहीं बताते कि गवर्नमेंट हमको वो नेसेसरी चीजें देती ही नहीं है जो हमें जो चाहिए, मशीनरी चाहिए हमें इसको पराली को करने के लिए, वो कुछ नहीं हमें दिया जाता, लेकिन फिर भी ब्लेम सारा हमारी फैमिली पे। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। करणजीत सिंह लुधियाना से एक किसान हैं जो कि ये बता रहे थे कि जिसका आरोप दिल्ली से लगाया जाता है पंजाब पर, वो आरोप सही है नहीं क्योंकि सख्ती इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर पराली जलाई नहीं जा रही है। बहरहाल इसको लेकर सियासत भी चलती है। जल्दी से एक बार मैं जाना चाहूंगी, उदय मेरे सहयोगी मौजूद है, उदय जरा तस्वीर आसपास की दिखाइए, नोएडा में दिवाली की अगली सुबह का नजारा कैसा है? नवजोत, देखिए 10 बज चुके हैं और अब तक सूरज की किरणों की वजह से धुआं जो है छट जाना चाहिए था, लेकिन अब भी आपको मेरे पीछे काफी धुंध जो है इस वक्त नजर आ रही होगी। ये धुंध है, कोहरा है या फिर ये स्मॉग है, इस वक्त ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी भी इस वक्त यहाँ पे सांस लेना दुर्लभ हो गया है और आंखों में एक जलन सी महसूस भी हो रही है। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, जब बात चलती है प्रदूषण की, NCR में कुल 5 शहर हैं और चर्चा में हमेशा दिल्ली जो है वो फोकस होता है, और शिकायत ये रहती है कि नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव जैसे अन्य शहर जो NCR के हैं वो चर्चा में पीछे छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ भी हालत बहुत खराब है लोगों की। और एक वजह यह बताई जा रही है कि दिवाली की अगली सुबह हालत खराब इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुले तौर पे उल्लंघन किया गया, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि NCR के बाकी शहरों में भी। और इसकी एक वजह यह भी है कि पटाखे खुले तौर पे, बैन के बावजूद पटाखे खुले तौर पे बिक भी रहे थे, मिल भी रहे थे और शहरों के आर पार भी हो रहे थे, और इसमें सवालिया निशान ना सिर्फ दिल्ली पुलिस पे उठता है बल्कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भी उठता है। और सिर्फ नोएडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में भी सांस लेना काफी मुश्किल हो गया है, AQI लेवल काफी बढ़ चुका है पोल्यूशन लेवल, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में भी लोगों के कंप्लेंट्स आ रही है। और बात करें अगर दिल्ली NCR की, अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे PM 2.5 लेवल, और याद रखिए PM 2.5 जो है ये एक बहुत ही हार्मफुल पोल्यूटेंट है क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस जाता है, आपके नाक से फिल्टर नहीं हो पाता है, इसलिए आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने का भी खतरा रहता है। 800-900 की जगह 999 जा चुका है, और जैसे कि रुंजुन अभी कुछ देर पहले बता रही थी 999 मैक्सिमम लिमिट होती है, इसके आगे हमारी जो पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्केल है वो मेजर ही नहीं कर पाती है। तो हमें ये भी नहीं मालूम, हमें ये भी नहीं मालूम कि कितना बढ़ चुका है स्तर। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इसको लेकर देखिए, आम आदमी की अगर आप बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, तो जनता इस बात को समझती है, जानती है कि देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है। मेरे सभी रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद है, मैं यहाँ मौजूद, हम जानते हैं कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर फिर भी इस पर सियासत क्यों होती है? अब ये किसान हमारे साथ थे, आपने उनकी बात सुनी होगी कि वहां पर इतनी सख्ती है पंजाब में, बावजूद इसके आरोप किसानों पर लगता है कि पराली जलती है जिस वजह से दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है। नहीं देखिए, मैं
लगातार इस बात को कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ सरकारों, प्रशासन, सार्वजनिक निकायों की भी जिम्मेदारी है। और जो पराली को केवल इस बात का दोषी बताया जाता है दिल्ली में प्रदूषण के लिए, मैं उसको ठीक नहीं मानता हूं। पराली वर्षों से जल रही है, धीरे धीरे जब ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सब फैक्टर्स के चलते जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, परंतु केवल पराली और कोई लोकल फैक्टर्स नहीं है। देयर आर रिपोर्ट्स जो ये सजेस्ट करती हैं कि 60% तक ट्रैफिक के कारण, व्हीकुलर ट्रैफिक के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। और दिल्ली में टू व्हीलर्स की संख्या को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को मिलाकर जितने टू व्हीलर्स नहीं है उतने टू व्हीलर्स अकेले दिल्ली में हैं, जो कि पेट्रोल और टॉक्सिक मटेरियल पर चलते हैं। अगर सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की उपयुक्त व्यवस्था की होती तो शायद लोग अपने टू व्हीलर छोड़कर आराम से सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते। ठीक है सर, हमारे पास आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नहीं, क्योंकि आरोप सीधा उन्हीं पर है केवल। लेकिन सर, आप ही के चैनल की एक रिपोर्ट में, सर एक छोटा सा जवाब, क्योंकि मेरी सहयोगी प्रियंका भी उन पर आरोप नहीं है। सर, अगर ऑड इवन जैसी स्कीम शुरू होती है तब भी आप लोग कहते हैं, तब भी सवाल उठाते हैं, तो सवाल यही है कि सरकार फिर क्या करे। मेरा कहना यह है, ऑड इवन एक इवेंट की तरह नहीं होना चाहिए। ऑड इवन टेम्परेरी रिलीफ का साधन है। जैसे आप लोगों ने भी बहुत समय रिपोर्ट किया कि बीजिंग और कई शहरों में जब हाई लेवल्स पर चले जाते हैं तो सब चीज रोक दी जाती है, ये टेम्परेरी। इसके बाद जब ऑड इवन हुआ और उसके बीच के इस अंतराल में सभी लोगों को मिलकर, और खासतौर पर राज्य सरकार जिसके पास यहाँ के परिवहन की, यहाँ के पर्यावरण की, यहाँ की सार्वजनिक परिवहन की, यहाँ की बसों की जिम्मेदारी है, यहाँ के दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास यहाँ की फैक्ट्रीज को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी है, उसको एक दूरगामी योजना बनाकर काम करना चाहिए, उसको आसपास के राज्यों को ऑन बोर्ड लाना चाहिए। हम केवल ये कहते रहे कि हरियाणा और पंजाब अपना काम नहीं कर रहे हैं और वहां विपक्ष की पार्टी होने के नाते वहां भी लोगों को इंस्टिगेट करें और यहां भी इंस्टिगेट करें, तो ये देश के साथ और जनता भी, तब प्लानिंग की जनता भी उस चीज पर आपके साथ आती है जब जनता ईमानदार देखती है, क्योंकि राज्य सरकार की दलील हमेशा ही रहती है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है। बहरहाल आशीष जी, लौटूंगी आपके पास। प्रियंका खांडपाल इंडिया गेट से मौजूद है हमारे साथ। प्रियंका, आज तो छुट्टी का दिन है और इंडिया गेट लोग जॉगिंग करने के लिए आते हैं, आप जब सुबह यहां पर आई तो क्या तस्वीर आपने देखी और अभी की तस्वीर क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल नवजोत, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जब हम सुबह तकरीबन 7 बजे यहाँ पहुंचे थे, इसी जगह से इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा था और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है। हाल हद से ज्यादा खराब था और फिलहाल धूप निकल आई है, पूरा दिन निकल आया है, उसके बावजूद विजिबिलिटी पर असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल दिल्ली की AQI लेवल की अगर बात करें तो 466 बना हुआ है, यानी कि बेहद खराब स्थिति में जो अभी लेवल है वो बना हुआ है, सीवियर लेवल पर बना हुआ है, खतरनाक लेवल पर बना है। लोग भी हमारे साथ हैं। कल जिस तरीके से दिवाली मनाई गई पूरी दिल्ली में, 8 से 10 का टाइम था, उसके बाद भी मनाई गई, क्या असर आज देख रहे हैं? 8 से 10 का टाइम दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, अब उसके बाद हमने 12-1 बजे तक पटाखे जलाए हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा स्मॉग हो रखा है पूरी दिल्ली में। पॉल्यूशन इतना है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हम सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि यू नो, और हमें मतलब विजिबिलिटी इतनी स्लो हो गई है कि हम आगे भी किसी को नहीं देख पा रहे हैं वाइल ड्राइविंग, और हम जैसे ही मॉर्निंग में जब उठे थे तो कुछ मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल लो थी, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और नवजोत, अक्सर हम लोग ये बातें करते हैं कि सरकार कदम नहीं उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट कदम नहीं उठा रही है, लेकिन कल जब हमारा मौका था हम वहाँ पर चूके हैं, आपको लगता है कल दिल्ली वाले चूक गए? जी मेरे को बिल्कुल लगता है कि लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने सरकार की नहीं सुनी और उसकी दिक्कतें आज हो रही हैं लोगों को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम, और ये आने वाली जनरेशन के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत देंगी। जैसे आज सुबह उठती विजिबिलिटी इतनी लो थी कि ड्राइव करना भी मुश्किल था, और सरकार तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेती है लेकिन अभी लोगों को भी समझना पड़ेगा
कि उनको खुद को भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे अगर दिल्ली में रहना है तो, वरना आने वाले टाइम में तो दिल्ली में रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। और यहाँ पर नवजोत ये बताएं, ये बिल्कुल आम लोग हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन आज बाहर निकले हैं घरों से और मांग कर रहे हैं पॉल्यूशन फ्री दिल्ली की। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से स्थिति फिलहाल दिल्ली की बनी हुई है, तमाम इलाकों की अगर बात करें तो आज सुबह से लेकर अब तक AQI लेवल जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है, लेकिन ओवरऑल दिल्ली की अगर बात करें तो सीवियर कैटेगरी में ये बना हुआ है, यानी कि खतरा टलने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से फिलहाल हवाओं की बात करें, हवाएं ठहरी हुई हैं, तो ऐसे में स्मॉग की एक मोटी चादर दिल्ली पर बनी हुई नजर आ रही है। 999 तक पहुंच चुका है AQI लेवल और ये खतरनाक से भी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। रुंजुन, वहां की जो तस्वीर अगर हम प्रियंका की तस्वीर देखें जो हमारे कैमरा पर्सन यहां से दिखा रहे हैं और रुंजुन आपकी तस्वीर देखें, दोनों में अंतर नजर आता है क्योंकि यहां पर पोल्यूशन विजिबिलिटी बहुत कम है। आप जिस इलाके में खड़ी वहां फिर भी कुछ कुछ नजर जरूर आ रहा है। अगर यही लाइव अभी आधे घंटे पहले हो रहा होता तो यहाँ पर भी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी, पर यह है कि अभी सूरज निकल आया है और थोड़ी विजिबिलिटी है। लेकिन पॉइंट ये है कि मोस्टली हर इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर को सरपास कर चुका है। और पॉइंट ये भी है कि आप जो भी कह लें, विजिबिलिटी कम है, ज़्यादा है, पॉइंट ये है कि जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस है वो अभी भागकर इमरजेंसी वार्ड जा रहे हैं, जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस नहीं भी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट पॉइंट ये है कि ब्लेम किसको किया जाए, जुडिशरी पे गवर्नमेंट पर या सिटीजन्स, वो जो खुद मास्क पहन के कल रात को पटाखे फोड़ रहे थे। इनफैक्ट यू नो, आप देखा जाए तो आनंद विहार में कुछ एरियाज हैं, कल जब हम एक स्टेटस चेक के लिए निकले थे हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो पटाखे फोड़ रहे हैं मास्क लगा के। नाउ ये लॉजिक को डिफाई करता है एक तरह से, पेरेंट्स मतलब ये एक बात है जो सुलझाना मुश्किल है कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे या फिर पेरेंट्स भी उतना केयर नहीं करते हैं। और ये बात सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है, ये आपके खुद के लंग्स की बात है। वी आर ब्रीदिंग पॉइजन एंड इफ दैट, अगर वो चीज नहीं दिख रही है बच्चों को, पेरेंट्स को, तो वो क्या क्या ही बोले फिर। बिल्कुल, और ये काउंसलिंग पेरेंट्स की तरफ से भी बच्चों को होनी चाहिए, शिक्षा पेरेंट्स की तरफ से भी आनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हम कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है तो फिर एज अ पेरेंट भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को समझाएं। मास्क लगाकर पटाखे फोड़ना कोई लॉजिक नहीं होता, और ये बहुत हैरानी की बात है अगर इस तरीके से आप तस्वीरें कह रही कि आपने भी देखी है। शुभम एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अम्बाला से। शुभम, वहां पर क्या स्थिति है अभी पोल्यूशन की? शुभम, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो शुभम, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बताएं क्या स्थिति है पोल्यूशन की वहां पर, कब तक पटाखे चले और क्या तस्वीर वहां की है अभी? हेलो जी शुभम, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी मैडम, यहाँ पे तो बहुत सही तरह से चले हैं पटाखे और यहाँ पे कोई प्रदूषण वगैरह का है नहीं। और ये जो हम दिल्ली है ये ब्लेम कर रहा है अपने अम्बाला, हरियाणा को और पंजाब को, ये इनको नहीं करना चाहिए। यहाँ ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसका, ये नहीं कि गाड़ियों से निकल रहा है और जो इंडस्ट्रीज हैं आसपास की उनसे हो रहा है। और ये जो इसका सारा का सारा प्रशासन के ऊपर देना चाहिए। जी जी शुक्रिया, आप भी वही बात कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले कॉलर लुधियाना से हमारे साथ मौजूद थे। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है पड़ोसी राज्यों की वजह से, पराली जलाने की वजह से, इस तरह की सियासत तो हो रही है, सभी राज्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा यही है कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इतना पोल्यूशन नहीं है और दिल्ली को इस तरीके से ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए। सीधा चलेंगे निखत, मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। निखत, तस्वीर वहाँ की क्या है, दिखाइए जरा। जी अगर हम यहाँ, मैं इस वक्त IQ में मौजूद हूँ, अगर मैं IQ के AQI लेवल की अभी बात करूँ तो वो 300 के पार है, वो लगभग 363 है, जो बेहद ख़राब की कैटेगरी में आता है। यानी जो यहाँ की हवा की स्थिति है वो बेहद ख़राब है। और मैं अगर कल की बात करूँ तो यहाँ पे जो हवा की स्थिति थी वो ख़राब थी, लेकिन कल जब जो रात को पटाखे जिस तरह से जलाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की
आदेश की जिस तरह से अवहेलना की गई है लोगों की ओर से, जिस तरह से बड़े बड़े प्रदूषण वाले पटाखे जलाए गए हैं और 10 बजे के बाद देर रात तक पटाखे जलाए गए हैं, उसका असर साफ साफ आज सुबह से दिल्ली की हवाओं में नजर आ रहा है, पूरी दिल्ली में नजर आ रहा है। विजिबिलिटी पर असर पड़ा है दिल्ली की, और साथ ही जो AQI लेवल है हर इलाके में बढ़ोतरी हुई है, और साथ अगर ITO की बात करें तो ITO में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ITO में मॉडरेट बीच में हो जाता है, खराब हुआ लेकिन अब बेहद खराब, लगभग सीवियर की स्थिति में जाने तक जा सकता है ITO की जो स्थिति है। तो बता सकती हूँ जब लोगों की बारी आई कि लोग साथ थे प्रदूषण कम करने के लिए, तब लोगों ने किसी तरह का साथ नहीं दिया, लोगों ने जमकर धजिया उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, और जो अब आलम है दिल्ली का जो AQI है वो इस वक्त बेहद खराब की स्थिति में है, खतरनाक स्थिति में है। बिल्कुल आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो दिल्ली की तस्वीर है, स्थिति है, वो अक्सर दिवाली के आसपास ऐसी हो जाती है। पिछले 4-5 साल से हम ऐसी तस्वीर देख रहे हैं। अब आपने बात तो सही कही, ठीक है, सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे, क्योंकि आम आदमी आम लोग ही जिम्मेदार हैं, पर सरकारों को जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। पॉलिसीज में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, अब क्या सबक सीखा जा सकता है ताकि कम से कम अगले साल तो साफ हवा दी जा सके जनता को? देखिए, इसमें दो काम करने के हैं। सबसे पहला काम तो एक जगह चाणक्य ने कहीं लिखा है, जिस कानून की जनता सम्मान नहीं करती उस कानून को मनवाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमारे कानून ऐसे होने चाहिए जिसका जनता सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक निर्वहन कर सके, नंबर एक। नंबर दो, आने वाले समय के लिए हम केवल अगर जो पटाखों से 4% प्रदूषण फैलता है उसका भय दिखाकर लोगों को परंपराओं से दूर करेंगे, अगर हम पूरा वर्ष भर प्रदूषण को कम करने की नीतियां विधियां और भरसक प्रयत्न जनता को दिखा पाएंगे, तब जनता अपनी परंपरा अपने ट्रेडिशंस को छोड़कर 4 कदम आगे बढ़कर आएगी। मुझे याद है आज से कुछ वर्ष पहले जब ये ड्राइव शुरू हुई तो स्कूलों के बच्चों ने घरों में पटाखे जलाने छोड़ दिए थे, आज जब स्वच्छता के अभियान की बात करते हैं तो लोग बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं पापा खिड़की से बाहर रैपर मत फेंकिए, इसको रखिए डस्टबिन में डालिए। तो ये वातावरण जब हम ये विश्वास जनता में क्रिएट कर पाएंगे कि हाँ केवल इन 4% पटाखों का नहीं, वर्ष भर में जो 60% व्हीकुलर ट्रैफिक से भी जो प्रदूषण होता है उसके लिए भी हम उतने ही चिंतित हैं, उतना ही लड़ रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है, तब जाकर हम जनता को अपने साथ इस लड़ाई नहीं, अवेयरनेस फैलाने की तो जिम्मेदारी आपकी मेरी और जिन्होंने कल पटाखे चलाए उनकी भी है, परंतु इस अवेयरनेस का विश्वास अर्जित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, नीतियों की है, और उस नीतियों के सही क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आशीष सख्ती दिखाई थी, 8 से 10 बजे तक की टाइमलाइन दी थी, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाया, आप कहां जाकर ढूंढेंगी कौन 1 बजे के बाद पटाखे जला रहा है, तो यहां पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है फिर? पुलिस प्रशासन की बहुत जिम्मेदारी है, बाकी सब चीजों के साथ साथ इसमें भी जिम्मेदारी है, और पुलिस ने कल कई जगह लोगों को पकड़ा भी है, कई घंटे तक थाने में भी बिठाया, जो कि गलत भी था, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग जो अपनी खुशी मना रहे हैं, कई बार कई जगह तो 10 बजे के बाद पुलिस को ग्रीन पटाखे का क्या मालूम है, कई दफा हम सब जो टेलीविजनों पे डिबेट करते हैं, जो निर्णय देते हैं, हम ही सब मान लेते हैं ग्रीन के पैरामीटर्स क्या हैं, वो बनेंगे कैसे, हर चीज के एक्सपर्ट हम तो नहीं है ना, ये निर्णय आने से पहले इस निर्णय के संदर्भ में, ग्रीन के संदर्भ में वो क्या हो सकते हैं, कुछ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स बैठते, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप कल्पना करिए कितने लाख लोगों ने लगातार पटाखे बनाते रहे और ये निर्णय कब आए, जब लोगों के जीवन के साथ, लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ होगा तो लोगों का विश्वास उस कानून पर बनता नहीं है। जी जी, मैंने जी आपको चाणक्य का उदाहरण देके कहा, सर, फिर वही बात है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, पीपल रिस्पेक्ट, लेकिन वो बात भी सही है, ठीक है, इसको लेकर बहस जरूर चलती रहेगी, लेकिन एक बात सही है आशीष, पूरा साल जनता चलती रहनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि हवा